खबर सिरसा के एलनाबाद से, जहां भाजपा नेता एवं समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में रविवार को एलनाबाद हल्का के गांव दौरा किया। हल्का के गांव में समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल के विचार सुनने के लिए लोगों की भीड़ तपती दोपहर में भी पहुंचती है। कप्तान मीनू बेनीवाल का गाँव के अंदर फूल माला डालकर वे फूलों की बरसात कर स्वागत किया गया। इसी के साथ हल्का के गाँव लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को चुनाव में जीत दिलाने का आशीर्वाद भी दिया। हाँ, चुनाव 5 दिन का बचा है, प्रचार 3 दिन का बचा है, जनसंपर्क चल रहा है, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। कल योगी जी भी आ रहे हैं सिरसा में, क्या कुछ रहने वाला है? कल योगी जी आ रहे हैं, दोपहर बाद शायद 3 बजे के आसपास पहुँचेंगे और लोकसभा के उम्मीदवार के लिए उनकी जनसभा है। अच्छा रहेगा, जनसभा अच्छी रहेगी, लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी बात सब देखना चाहते हैं, उनको उनकी बात सुनना चाहते हैं। सुल्तान साहब, कांग्रेस 9 हलकों में बड़ी जबरदस्त टक्कर दे रही है, कैसे देखते हैं चुनौती के? पहले कह रहे थे कि शैलजा आगे दिख रही हैं, अब कहते हैं कि टक्कर दे रही हैं। ऐसा ना हो कि 25 तारीख को ये लोग कहें कि मशीनों में गड़बड़ थी, हम चुनाव जीत रहे हैं सिरसा का। ये आप लोगों को फील भी होता होगा, कभी कभी लगता था। आज का जो माहौल है, आज का माहौल चेंज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, हम नीचे से काम करना शुरू करते हैं, हम हवा हवाई की बात नहीं करते। 9 के 9 विधानसभाओं में अच्छी व्यवस्था चल रही है और बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर 100% चुनाव जीतेंगे। कल की रैली के लिए क्या संदेश? कल की रैली, योगी जी आ रहे हैं, बाल्यकाल से संत हैं और जिस तरह की उनका राजकाज चलाने का जो तरीका है, अंदाज है, सबको साथ लेके चलने का जो उनका तरीका है, लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और लोग जाएंगे, उनको सुनेंगे और उनकी बात का प्रभाव भी पड़ेगा और उनकी बात को लोग अमल भी करेंगे। थैंक यू।